नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल सिविल पाठशाला में। दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक इंडियन हाउस प्लान लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पे देख रहे हैं इसी मॉडल को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे बारीकी से। सब्सक्राइबर का कमेंट के हिसाब से ये प्लान को रेडी किया गया है। 35 फीट बाई 40 फीट का ये प्लान है। आप लोगों के प्यार से ही हम लोग इस वीडियो को बनाए हैं एंड इस प्लान को रेडी किया है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि प्लान बहुत ही अच्छा बनने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो, आप लोगों से यही विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखिएगा ताकि आगे जितना सारा हम लोग वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, फ्रंट एलिवेशन कुछ इस तरीके का हम लोग डिज़ाइन किए हैं। विंडो में जो सनसेट वगैरह प्रोवाइड किया कुछ इस तरीके का है का। पैरापिट वॉल हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, आप देख सकते हैं डिज़ाइन अच्छे से। एंड फ्रंट में जो डोर दिया गया है ये वुडन डोर रखा गया है। ओके, साइड व्यू में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको टोटल मॉडर्न लुक दिखेगा। एंड अभी हम लोग इसका टॉप व्यू में आ जाते हैं। टॉप व्यू कैसा लग रहा है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड डिस्कशन चालू करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे जितना सारा आपको बेडरूम मिलेगा ये टोटल 3 BHK का है। एक गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम लेके आपको 4 BHK मिल जाएगा। बिल्डिंग कॉस्टिंग, कलम पोजीशंस, वॉल साइज सारा कुछ बारीकी से डिस्कस करेंगे। तो अभी चलिए हम लोग मेन एंट्रेंस देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेन एंट्रेंस प्रोवाइड किया गया है। 4 फीट का एंट्रेंस है। एंट्रेंस से आपको घुसते ही यहाँ पर एक मिलेगा ड्राॅइंग एरिया। 12 फीट 4 इंची बाई 12 फीट का ये ड्राइंग एरिया है। बिग साइज़ का ड्राइंग एरिया है। यहाँ पे सोफ़ा वगैरह हम लोग प्रोवाइड किए हैं। ड्राइंग एरिया में हम लोग एक प्रॉपर वेंटिलेशन यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं 5 फीट बाई 4 फीट का। ओके, ओपन किचन रखे हैं ड्राइंग एरिया के साथ ही। ओके, देखिए यहाँ पे आर्क देके हम लोग ये डोर प्रोवाइड किए हैं, ओपन डोर यहाँ पे है। एंड इसी के साथ ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक किचन। किचन साइज़ जो रहेगा फ्रेंड्स 8 फीट बाई 12 फीट। एंड किचन में प्रॉपर वेंटिलेशन से हम लोग रखे हैं फ्रंट के तरफ, जो कि 3 फीट बाई 4 फीट का रहेगा। ओके, ड्राॅइंग रूम से आपको एक गेस्ट रूम प्रोवाइड किया गया है। ड्राॅइंग रूम से ही गेट दिया जाएगा, इस डोर से हम लोग एंटर करेंगे। ये जो पोजीशन है ये 3 फीट का डोर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। एंड यहाँ से ही एंटर करेंगे तो आपको एक गेस्ट रूम मिलेगा फ्रेंड्स। 12 फीट बाई 12 फीट का ये गेस्ट रूम है। गेस्ट रूम के साथ अटैच टॉयलेट प्रोवाइड किया गया है। तो ड्राइंग एरिया में जो भी गेस्ट आपका आएगा ये टॉयलेट यूज़ कर पाएगा। टॉयलेट कम बात यहाँ पे एक प्रोवाइड किया गया है। ओके, इस टॉयलेट कम बात का जो साइज़ रहेगा फ्रेंड्स 7 फीट बाई 7 फीट। प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड किया गया है। ओके, अभी हम लोग आ जाते हैं ड्राइंग एरिया से लॉबी सेक्शन पे। अब देख लीजिएगा यहाँ पे एक स्टेयर सेक्शन प्रोवाइड किए हम लोग। 11 फीट बाई 7 फीट का ये स्टेयर सेक्शन है। हम लोग स्टेयर लेंथ रखेंगे फ्रेंड्स 3.5 फीट करके। ये हम लोग फर्स्ट यहाँ से अप करेंगे, देन लैंडिंग मिलेगा, देन इसके बाद अप करके फर्स्ट फ्लोर में पहुँचेंगे। डॉगलेग स्टेयरकेस हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। स्टेयरकेस के डिटेल्स के बारे में अगर आपको जानना है तो हम लोग के इंस्टाग्राम चैनल पे इसके डिटेल्स हम लोग अपलोड किए हैं, तो आप जाके ज़रूर देख सकते हैं, आपको अच्छा नॉलेज मिल सकता है। तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे दो लॉबी मिल रहा है, मतलब ये दो पोर्शन पे हम लोग साइज़ बताएंगे। देखिए ये वाला जो छोटा वाला पोर्शन है इसका साइज़ रहेगा 14 फीट 10 इंची बाई 7 फीट। एंड ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे साइज़ मिलेगा 14 फीट 4 इंची बाई 5 फीट 10 इंच। ओके, तो ये टोटल लॉबी सेक्शन हो गया। एंड लॉबी में और एक आपको यहाँ पे टॉयलेट कम बाथ देखने को मिलेगा 6 फीट बाई 5 फीट 10 इंची का। इस डोर से हम लोग इंटर करेंगे, प्रॉपर वेंटिलेशंस प्रोवाइड किया गया है टॉयलेट में। ओके, तो ये बेडरूम के बारे में, ये जो मास्टर बेडरूम प्रोवाइड किया गया है इस बेडरूम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जो डोर से हम लोग इस बेडरूम में एंटर करेंगे, बेडरूम साइज़ रहेगा 12 फीट बाई 11 फीट 10 इंची। एंड बेडरूम में अटैच टॉयलेट एक प्रोवाइड किया गया है। इस डोर से इंटर करेंगे तो ये टॉयलेट साइज़ रहेगा फ्रेंड्स 12 फीट बाई 6 इंची। बिग साइज़ का, यहाँ पे ड्रेसिंग वगैरह भी आप अलग से कर सकते हैं सेक्शन। ओके, नेक्स्ट बेडरूम में आ जाते हैं। इस बेडरूम में आने के लिए आपको ये डोर से एंटर करना पड़ेगा। 10 फीट 4 इंची बाई 12 फीट का रहेगा ये बेडरूम, प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड किया गया है। थर्ड बेडरूम में आ जाते हैं फ्रेंड्स। 10 फीट बाई 12 फीट का ये बेडरूम प्रोवाइड किया गया है। इस डोर से हम लोग एंटर करेंगे। ओके, टोटल जानकारी मैं मेज़रमेंट आपको मैं दे चुका हूँ। अभी हम लोग थोड़ा टेक्निकल बातें करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस इसमें समझेंगे क्या कहाँ पे क्या प्रोवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वॉल साइज़ के बारे में बताऊंगा। देखिए आउटर वॉल जितना देख रहे हैं फ्रेंड्स रेड कलर का आउटर वॉल, इनर वॉल नहीं, ओनली आउटर वॉल यहाँ पे 10 इंची प्रोवाइड किया गया है, इनर वॉल 6 इंची प्रोवाइड किया गया है। ओके, कलम पोजीशंस जानेंगे। कलम पोजीशंस तो बहुत ज़रूरी है जानना, तो यहाँ पे कलम देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 टू 21 हम लोग यहाँ पे कलम पोजीशंस प्रोवाइड करेंगे। 1400 स्क्वायर फीट का है, बिग साइज़ का है, तो यहाँ पे अप्रॉक्स 20 पीस कलम हम लोग डाल पाएंगे। 10 इंची बाई 15 इंची का हम लोग कलम साइज़ देंगे। यहाँ पे बिल्डिंग कॉस्टिंग के बारे में बात करेंगे तो अप्रॉक्स 17 लैक्स खर्चा आ सकता है फ्रेंड्स। 17 लैक्स में इसका ग्राउंड फ्लोर आराम से बना सकते हैं। एंड इसका टॉप व्यू में हम लोग देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये जो है, ये जो पोर्शन है ये आपका स्टेयर रूफ है। स्टेयर का रूफ से हम लोग ये पोर्शन से बाहर आ पाएंगे। एंड टोटल जो आप देख रहे हैं टॉप व्यू, ये टोटल रूफ है। रूफ का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का किया गया है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर फॉलो कर दीजिएगा। एंड ये जो वीडियो है इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। एंड प्लान ज़रूर पसंद आएगा मेरे हिसाब से, एंड पसंद आया तो ज़रूर शेयर करते रहिएगा। एंड फ्रेंड्स आपके हिसाब से, आपके प्लॉट के हिसाब से अगर आपको प्लान चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे आप जाइए। हम लोग का इंस्टाग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। एंड यूट्यूब में भी कमेंट कर सकते हैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। ओके, आप मेरे साथ जुड़ जाइए इंस्टाग्राम फेसबुक पे, ओके, ताकि आगे डेली नया हम लोग यहाँ पर अपलोड करते हैं एक एक करके प्लान, तो आप लोगों को ज़रूर नॉलेज मिल जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।